नागपुर दौरे पर आए केंद्रीय मंत्री रामदास आठवले ने जल्द ही महाराष्ट्र के राजकारण में भूकंप आने के संकेत दिए हैं। नागपुर दौरे पर आए केंद्रीय मंत्री रामदास आठवले ने जम्मू कश्मीर पर अपनी भूमिका स्पष्ट की है। उनका कहना है कि जब से जम्मू कश्मीर से 370 कलम हटाया गया है, तब से वहां पर सुधार हुआ है और जल्द ही जम्मू कश्मीर ये अलग राज्य बनेगा। आठवले ने मध्य प्रदेश के सियासी गतिविधियों पर भी अपनी भूमिका स्पष्ट की। उनका कहना है कि विधानसभा अध्यक्ष होने के कारण अध्यक्ष ने परेड कार्रवाई के लिए 10 दिन का समय दिया है, मगर भाजपा की ओर से न्यायालय में इसके खिलाफ याचिका दायर की गई है, तो न्यायालय इसका सही निर्णय लेगा। साथ ही आठवले ने महाराष्ट्र सरकार के बारे में बड़ी भविष्यवाणी की है। उनका कहना है कि जल्द ही मध्य प्रदेश जैसा भूकंप महाराष्ट्र में भी आ सकता है। इसी से यही अंदाजा लगाया जा सकता है कि महाराष्ट्र के लिए भी भाजपा की हलचलें बढ़ गई है। कश्मीर में जिस तरह 370 आर्टिकल को हटाया गया था और अपने देश के पार्लियामेंट ने, राज्यसभा लोकसभा ने कानून पास किया था कि जब 370 कलम और 35 ए कलम जब लगाया था 1947 के बाद, तब ये तय हुआ था कि भाई कुछ दिन के लिए ये कलम रहेगा, क्योंकि वहाँ कोई आदमी जाकर जमीन नहीं खरीद कर सकता था, वहाँ कोई अपनी इंडस्ट्री नहीं लगा सकता था, इसीलिए जम्मू कश्मीर के डेवलपमेंट में प्रगति नहीं हो रही थी, तो इसलिए 370 को हटाना बहुत बड़ा जरूरी था। तो अभी 370 कलम हटाने का निर्णय मोदी सरकार ने ले लिया है और इसीलिए मुझे लगता है कि वहाँ की जनता में काफ़ी शांति भी है। जिस तरह पहले बहुत सारे हमले होते थे, बहुत सारे लोग मर जाते थे, तो अभी वहाँ काफी शांति है। महाराष्ट्र के ऊर्जा मंत्री नितिन राउत ने ब्राह्मण समाज को लेकर किए वक्तव्य पर आठवले ने कहा, बाबा साहेब आंबेडकर भी ब्राह्मण विरोधी नहीं थे। कैमरा पर्सन मोहोड़ के साथ अभिषेक पांसे की रिपोर्ट।